सिसुड़ में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से लैपटॉप में फ्री फायर गेम को प्ले करके उसमें कैसे खेल सकते हो। तो गाइस आपको जो लैपटॉप को यूज करते हैं लेकिन लैपटॉप में फ्री फायर गेम है वही आपको प्ले करके उसमें खेलना है वो भी मोबाइल से, तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो गाइस इस हमारा जो लैपटॉप है और इस हमारा जो मोबाइल है, तो मोबाइल से हमें लैपटॉप में फ्री फायर गेम को प्ले करके उसमें खेलना है। तो आपको सबसे पहले जो मोबाइल है वही आपको लैपटॉप में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका गेम है वही आपको लैपटॉप में प्ले कर सकते हो। तो चलिए हमने सबसे पहले लैपटॉप को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जाना है सेटिंग पे। तो चलिए मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, और आपको सिस्टम पे क्लिक करना है, और सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो भी हमने सेटिंग करके रखा है वही आपको स्क्रीन पे देख लीजिए, वही आपको सेटिंग को रखना है। और सेटिंग रखने के बाद आपको मोबाइल में वाईफाई को ऑन करना है, और आपको मोबाइल डेटा को ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद उसमें स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन होता है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैं मोबाइल में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है वही मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद हमारा जो लैपटॉप में जो डिवाइस का नाम है वही हमारा मोबाइल में शो हो जाएगा। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो भी हमारा लैपटॉप में नाम है वही हमारा मोबाइल में शो हो गया है। तो चलिए इसी नाम पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो मोबाइल है तो मोबाइल को मैं लैपटॉप में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है वही आपको उसमें प्ले कर सकते हो, यानी कि उसमें खेल सकते हो। तो चलिए हमारा जो मोबाइल है वही हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो आपको लैपटॉप में नोटिफिकेशन में आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि जो भी हमारा मोबाइल है वही हमारा लैपटॉप में कनेक्ट हो गया है। तो चले कनेक्ट होने के बाद हमारा मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है तो उसको हम प्ले करके उसमें खेलते हैं कि सही से हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है वही हमें प्ले करते हैं। तो आपको इसी तरह मोबाइल को कनेक्ट करके गेम है वही आपको प्ले कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो उसमें फ्री फायर का जो लोगो है गरीना का वही हमारा लैपटॉप में शो हो गए, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन है वही हमारा लैपटॉप में सही से कनेक्ट हो गया है, यानी कि उसमें शो हो रहा है। तो गाइस आपको आसान तरीके गेम को प्ले करके उसमें खेल सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि सही से हमारा जो लैपटॉप में गेम है वही हमारा प्ले हो गया है, यानी कि मोबाइल में भी प्ले हो गए। तो चले मैं मोबाइल में गेम को खेल के लैपटॉप में भी प्ले कर देते, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से गेम है वही हमारा प्ले हो गए। तो गाइस आपको इस तरह मोबाइल में यानी कि लैपटॉप में मोबाइल को कनेक्ट करके गेम है वही आपको आसान तरह के खेल सकते हो। तो सही से हमारा जो गेम है वही हमारा प्ले हो गए। तो गाइस आपको इसी तरह बिना यूएसबी बिना इंटरनेट उसमें विदाउट ऐप के आपको मोबाइल है वही आपको लैपटॉप में कनेक्ट करके उसमें गेम खेल सकते हो। तो सही से हमारा जो फ्री फायर गेम है वही हमारा मोबाइल में वही हमारा लैपटॉप में शो हो गए, यानी कि लैपटॉप में प्ले हो गए। तो आपको इसी तरह मोबाइल से लैपटॉप में गेम को खेलना है यानी कि प्ले करना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो सही से हमारा जो भी मोबाइल में फ्री फायर गेम है वही हमारा प्ले हो रहा है, इसे हमारा लैपटॉप में भी प्ले हो रहा है। तो आपको इसी तरह मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको लैपटॉप में कास्ट स्क्रीन करके गेम है वही आपको आसान तरीके खेल सकते हो। तो सही से हमारा जो गेम है वही हमारा प्ले हो गया है। तो आपको इसी तरह फ्री फायर गेम है वही आपको लैपटॉप में प्ले करके खेलना है मोबाइल से, तो इसी तरह आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद गेम है वही आपको आसान तरीके प्ले कर सकते हो। तो सही से हमारा गेम भी प्ले हो गया है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा वर्क कर रहा है। तो आपको इसी तरह गेम को लैपटॉप में खेलना है तो वही आपको आसान तरीके खेल सकते हो। तो गाइस अब देख लीजिए कि जितना जो प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि मोबाइल में गेम है वही आपको लैपटॉप में खेलना है यानी कि प्ले करना है, तो इसी तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो जो भी मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ वही हमारा लैपटॉप में स्क्रीन ओपन हो रहा है, यानी कि लैपटॉप में सही से
गेम में वही हमारा प्ले हो रहा है। तो इसी तरह आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद गेम में वही आपको लैपटॉप में कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।